जब बाल टूटते हैं ना सर से, तो बाल के साथ साथ ना दिल भी टूटता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी और मुझे बी सेल लिम्फोमा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस वीडियो में मैं कीमोथेरेपी से रिलेटेड बाल झड़ने और अपने खुद के हेड शेविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई इज सच अ बिग डील कि इस पर वीडियो बनाने लग गई। मतलब सिर्फ बाल ही है ना, दोबारा निकल आएंगे, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। तो देखो, बात तो है, क्योंकि जब लड़कियों के आईब्रो के बाल अगर ठीक से नहीं दिखते तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे थ्रेडिंग करानी है, या जिनके नेल्स बड़े होते हैं उनके नेल्स टूट जाते हैं तो होने लगता है कि अरे नेल्स टूट गए, बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लोगों को, तो सर के सारे बाल जाना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना एक्सेप्ट करने में कि सारे बाल चले गए, अब कैसे क्या होगा। मतलब थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता ही है इसको प्रोसेस करना। तो इस वीडियो में मैं इस बारे में ही बात करूँगी। और बाल इज़ द ओनली थिंग जिससे कैंसर पेशेंट्स दूर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मतलब दूर से दिख जाता है कि वो देखो कैंसर पेशेंट और एक बेचारी वाला टैग लग जाता है। और आप खुद बीमार फील करो या नहीं करो, बाल जाने की वजह से एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर हो ही जाता है कि भाई आपके कैंसर है, और आपको बीमार फील होने ही लगता है इवन इफ़ यू आर फीलिंग फाइन एट दैट मोमेंट। तो जब पता चलता है कि कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि बाल चले जाएंगे। फिर तो मैंने अपना माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं खुद से हेड शेव करूँगी। इसके पीछे यही रीज़न है कि जब एक एक करके बाल टूटते हैं तो ज़्यादा बुरा लगता है, और घर में हर जगह बाल फैलते हैं, आप कहीं भी बैठ के या लेट के उठोगे तो बाल पड़े हुए मिलते हैं, जिसको देख के बहुत बुरा लगता है। तो दूसरा ये रीज़न है कि आई वॉन्टेड टू टेक द कंट्रोल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग टू माय बॉडी। मतलब मैं खुद से करना चाहती थी कि कीमोथेरेपी का मैं वेट क्यों करूँ, मैं खुद ही शेव कर लेती हूँ। थोड़ा सा एम्पावरिंग वाली फीलिंग आती है, और मतलब मज़ा आता है बेसिकली, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने करा ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, किसी और ने नहीं करा, सिर्फ इसलिए मैंने अपना हेड खुद ही शेव करा। तो जब फर्स्ट कीमो हो गया, उसके बाद एक्चुअली तुरंत तो जाते नहीं ना, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मुझे सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी बहुत दिन तक। तब मेरे बाल थोड़े थोड़े झड़ने स्टार्ट हो गए थे, तो वहीं पे ही लेटे लेटे हॉस्पिटल में मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर जाके हेड शेव कर लूँगी। मतलब बिफोर सेकेंड कीमो तो मुझे शेव करना ही करना है। फिर जब मैं घर पर आ गई, तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैं शेव कर लेती हूँ। मैंने ट्रिमर उठाया और मैंने घर में सबको बता दिया कि देखो मैं शेव करने जा रही हूँ, कोई डरना नहीं, और कोई ज़्यादा रिएक्ट मत करना, कोई कुछ मुझसे बोलना मत, क्योंकि आई हैव टू डू दिस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज ही करना चाहिए ऐसा। तो फिर बस मैं बाथरूम में गई और फिर मैंने ट्रिमर से ही सारे बाल निकाल दिए। ट्रिमर से ज़्यादा डीप क्लीन कट होता नहीं है, तो वो बस कट जैसा हो गया था, मिलिट्री कट जैसा। फिर उस दिन रात में मैंने रेज़र लिया और रेज़र से ही सारे बाल क्लीन कर लिए, तो क्लीन हो गया बिल्कुल हेड मेरा, और मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया इस प्रोसेस में, क्योंकि मेरा ध्यान इस पर लगा था कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं बाल छूट नहीं जाए, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया उस मोमेंट पर। तो कीमो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अमेज़ॉन पर सर्च करना स्टार्ट करा था कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हेड कवर करने के लिए, क्या क्या मिल रहा है मार्केट में। तो उसमें मुझे कैप मिली थी, मैंने ऑर्डर करा था, उसमें मेरे बाल थे, मैंने कैप पहन के दिखा था कि कैसा लग रहा है, मैंने बच्ची को दिखाया था पहन के। और विक्स का क्या है, बहुत कॉस्टली आते हैं, अगर अच्छे विक्स लेने पे जाएं तो 15,000 से स्टार्टिंग होती है। विक्स की मेंटेनेंस जो है ना, नॉर्मल बालों की मेंटेनेंस से ज़्यादा होती है, तो इतना टाइम और एनर्जी मैं नहीं लगाना चाहती फालतू चीज़ों पर। और दूसरा है कि गर्मी बहुत लगती है, अभी यहाँ पर मई जून जुलाई वाला टाइम चल रहा है, बहुत गर्मी लगती है, तो अनकंफर्टेबल होता है। मेन चीज़ तो कम्फर्ट है ना, तो जिसमें आप कम्फर्टेबल हो आपको वो करना चाहिए। और अभी मैंने रिसेंटली ये देखा कि ऐसे टर्बन स्टाइल में बांध के बहुत कूल फीलिंग आ रही है, और ऐसा लगता है कि कोक स्टूडियो में गाना गाने जा रही है इसलिए वीडियोज़ के लिए मैंने सोचा कि वाई नॉट कैरी दिस लुक। तो अब मैं बाल्ड हेड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँगी। सब पहले कॉन्स बताऊँगी। तो सबसे पहले तो यही है कि इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि आप अनहेल्दी हो, आपके कैंसर है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, और लोग भी बहुत बेचारी वाली नज़रों से देखते हैं, लोग बहुत ऐसा देख के दया करने लगते हैं, अरे बेचारी की कैंसर है, ऐसा वाला ऐसी फीलिंग से देखते हैं लोग। दूसरा यही कि एसी के नीचे या फैन के नीचे बैठे तो हवा बहुत लगती है सर पे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को घर में अगर इस समय कोई पार्टी फंक्शन ही इवेंट होगा तो शायद वो मुझे इन्वाइट नहीं करेंगे। अभी तक मेरे घर में फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगी चीज़ों को आंसर करने में और हैंडल करने में, इसलिए
इसको भी एक कॉन्स में कंसिडर कर सकते हो आप। तो आप प्रोज की बात करते हैं, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ज़ीरो मेंटेनेंस। मतलब नॉर्मली मैं बहुत लो मेंटेनेंस वाली पर्सन हूँ, मुझे, मैं अपने बाल भी छोटे रखती थी जिससे कि ज़्यादा मेंटेन करने में टाइम नहीं लगे और एफर्ट्स नहीं लगे। एंड गेस व्हाट, बीइंग बाल्ड इज़ ज़ीरो मेंटेनेंस, कुछ करना ही नहीं है। मैं कभी शैम्पू लगा लेती हूँ, कभी सोप लगा लेती हूँ, कभी बॉडी वॉश, कभी जो मिल जाए हाथ में, बेसिकली नहाते समय मैं वो लगा लेती हूँ। एंड नहाना इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग बाल्ड। मतलब शार के नीचे खड़े होके नहाते समय जो मज़ा आता है ना भाई, इतना मज़ा आता है कि सर पे जब पानी पड़ता है बाउंस होता है और बहुत अच्छा लगता है नहाते समय मुझे। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई वुड से। मतलब आप अपने सबसे रॉ और वल्नरेबल फॉर्म में उस समय, मतलब लोग कितने इनसिक्योर होते हैं ना सोचो। मतलब मैं भी उन लोगों में ही से आती हूँ कि अपने बारे में सोचते हैं कि मैं ठीक दिख रही हूँ कि नहीं, कैसी लग रही हूँ घर से बाहर निकलने से पहले, ये सब चीज़ें। बट कैंसर पुट्स यू इन अ प्लेस जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल, वल्नरेबल और रॉ फॉर्म में होते हो। इट्स लाइक टेकिंग बर्थ अगेन। मतलब लाइफ रीसेट हो जाती है ज़ीरो पे, आप ज़ीरो पे आ गए बेसिकली, आपको सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना है अब दोबारा से। और लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं ऑफकोर्स। मतलब ज़िंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इससे कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे लग रहे हो। तो सारी इनसिक्योरिटीज़ और लोग, सारी सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं फिर। ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस। मतलब ये वाला इनलाइटमेंट सिर्फ कैंसर की वजह से ही आ सकता है लाइफ में, और और किसी तरह से नहीं आ सकता। चलो ठीक है, बहुत सीरियस बातें हो गई। और अब कुछ दिन में मेरी शायद आईब्रोज भी चली जाएंगी सारी, और फिर मैंने सोचा है कि मैं वोल्डेमॉर्ट वाले कपड़े पहन के फ़ोटो खींचूंगी और सबको डराऊंगी। तो बस मुझे हेड शेविंग के बारे में यही सब बोलना था। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं अदरवाइज़ बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं अपने कंफर्ट जोन से बहुत 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 बाहर निकल के बनाया है मैंने ये वीडियो, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी और ये भी है कि शायद किसी को हेल्पफुल लगे। लास्ट में मैं से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, इट्स वेरी अननेसेसरी बट मन में आया तो बोल देती हूँ, कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इतना ज्ञान दे रही है, इतनी हीरोइन बन रही है, तो फिर ये पहन के क्यों बैठी है वीडियो बनाने में, ऐसे ही बैठो ना आप। तो इसका आंसर ये है कि हम शादी में पजामा वगैरह पहन के जा सकते हैं बट हम जाते ही नहीं है ना। मतलब कोई मना तो नहीं करेगा फिर भी हम नहीं जाते, क्योंकि वी वॉन्ट टू लुक अ सर्टेन वे इन सर्टेन सिचुएशंस। तो बस ऐसे ही समझ लो कुछ। चलो बहुत बोल लिया मैंने, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर एलिगेटर।